नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, अपने घर और ऑफिस के अंदर नेगेटिव एनर्जी को कैसे पहचाने, नेगेटिव एनर्जी में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, नेगेटिव एनर्जी कैसे हो सकती है, नेगेटिव एनर्जी से मेरा मतलब भूत प्रेत से नहीं है। नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ऑफिस की नेगेटिव एनर्जी को कैसे दूर करें, नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, अपने घर और ऑफिस के अंदर नेगेटिव एनर्जी को कैसे पहचाने। पहले हम इसको कवर करते हैं। नेगेटिव एनर्जी से मेरा मतलब भूत प्रेत से नहीं है। नेगेटिव एनर्जी में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। बेसिकली दुनिया में तीन तरह की ऊर्जाएं हैं, एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, और उदासीन एनर्जीज हैं, न्यूट्रल एनर्जीज हैं। अब इसके लिए नेगेटिव एनर्जी कैसे हो सकती है? नेगेटिव एनर्जी आपकी अपनी सोच की वजह से हो सकती है। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो पूरा का पूरा माहौल नेगेटिव बन जाता है। आपकी सोच की वजह से उस जगह पर जितनी भी चीजें मौजूद होती हैं वो सब आपकी सोच को कैप्चर करती रहती हैं, अब्सॉर्ब करती रहती हैं, तो वो वस्तुएं भी नेगेटिव हो जाती हैं। सिमिलरली किसी और की नेगेटिविटी भी अफेक्ट कर सकती है। कोई आपसे जेलसी करता है, कोई ईर्ष्या करता है, कोई पर्सन आपके बारे में लगातार नेगेटिव सोचता रहता है, तो ये चीज भी आपकी उस जगह को, आपकी खुद की ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। डेफिनेटली कर सकती है। जब आपकी सोच कर सकती है तो किसी और की सोच भी कर सकती है। गंदगी की वजह से भी नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, वास्तु दोष की वजह से भी नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। तो कोई भी एनर्जी है वो हमारी सोच, व्यवहार, आदत और शब्दों से बनती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो अगर हमारी सोच, हमारा व्यवहार, आदत और शब्द हमारे नेगेटिव होंगे तो वो नेगेटिविटी को चारों तरफ फैलाएंगे। अपने शरीर और घर में आमतौर पर पॉजिटिव एनर्जी होती है, लेकिन जब किसी और की नेगेटिव एनर्जी लगातार हमें प्रभावित करती, कोई पर्सन हमारे बारे में लगातार नेगेटिव सोचता रहता है, तो उसकी सोच भी हमें प्रभावित करती है, हमारे घर को प्रभावित करती है, हमारे ऑफिस को प्रभावित करती है। तो घर और ऑफिस में नेगेटिव एनर्जी कहां से आती है? अगर कुछ नियमों का पालन नहीं किया जाता घर के अंदर और ऑफिस के अंदर, तो नेगेटिविटी प्रवेश कर जाती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप इससे डरें। कोई नेगेटिव एनर्जी का मतलब, जैसे मैंने कहा, कि सिर्फ भूत प्रेत नहीं है, बहुत सी और बातें भी हैं। घर में इन उपायों को अपनाकर आप नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। आपको छोटे छोटे उपाय करने पड़ेंगे जो मैं आपको शेयर करूंगा। इससे पहले नेगेटिव एनर्जी से होने वाले प्रभावों के बारे में बता दूं। नॉर्मली अगर घर के सदस्यों के बीच में लगातार मतभेद रहने लगा है, लड़ाई झगड़ा आदि होने लगा है, एक के बाद एक समस्या आने लगी है, हमेशा निराश और बेचैन रहते हैं, घर का माहौल बिगड़ जाता है, किसी भी प्रयास को लेकर मन में पहले नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, आप बाहर पॉजिटिव होकर आते हैं लेकिन घर आते ही नेगेटिव हो जाते हैं, ऐसी ही चीजों का लगातार होना नेगेटिव एनर्जी का संकेत हो सकता है। जैसे मैंने कहा, आपको नेगेटिव एनर्जी कितनी टाइप की भी हो सकती है। अब इसका मतलब अगर रोजगार में हो, काम काज में, ऑफिस में नेगेटिव एनर्जी हो, तो इसके कारण नौकरी में नौकरी छूट जाती है, बार बार लगती है, छूटती है, लंबे समय तक नौकरी के बिना रहना पड़ सकता है, पैसे का फ्लो रुक जाता है, यानी काम काज एकदम से ठप पड़ जाता है, बिना कारण के ऐसा लगने लगता है कि काम बंद हो जाएगा, काम में कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वहां से रिटर्न नहीं आते, पैसा फंस जाता है। अब मैं आपको जो एक्सपेरिमेंट बताने जा रहा हूं उसके लिए मैं आपको याद दिला दूं, मैंने पहले भी डॉक्टर मसारो इमोतो का जिक्र किया है। इसके लिए वाटर एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, पानी पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ों का प्रभाव इन्होंने जांचा था, पता लगाया था कि पानी जो है वो हमारे आसपास की नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब कर लेता है, समझ, उसके अंदर वो ऐसी क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर होता है जो कि बदल जाता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इमोशन जब पानी के पास रहकर बोले जाते हैं तो उसके कारण उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देख रहे हैं, आप लिखा हुआ है पानी की तरफ, आप बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं पानी को, कोई पॉजिटिव विचार बोलते हैं, तो पानी के अंदर अलग टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन अगर आप उसके अंदर कुछ नेगेटिव बोलते हैं, तुम बेवकूफ हो, तुम फूल हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें कुछ ऐसा कर दूंगा, कुछ नेगेटिव बात अगर बोलते हो तो स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्कुल नेगेटिव बनता है। नीचे वाली जो लाइन है आप देख सकते हैं वो पूरी नेगेटिव है। इसी तरह से उन्होंने सॉल्ट के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए। तो यहां हम यूज करने वाले हैं इसी कॉम्बिनेशन को। मैं ये कहना चाहता हूं स्पेसिफिकली नेगेटिव एनर्जी को अगर पहचानना है अपने घर और ऑफिस में, तो डॉक्टर मसारो इमोतो का यही एक्सपेरिमेंट हम यूज करेंगे। तो सिंपली एक गिलास पानी आपने लेंगे और उसके अंदर समुद्री या सेंधा नमक मिला लें। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सेंधा समुद्री नमक, कोई भी नमक मिला ले, नमक मिलाने से उसके अंदर वो गुण आ जाएंगे। जब वो किसी भी टाइप की उसके आसपास होने वाली किसी भी एनर्जी को अपने भीतर अब्सॉर्ब कर पाएगा। गिलास को ढके नहीं, स्टील या कांच का कोई भी गिलास ले सकते हैं, उसे घर के किसी ऐसे कोने में छुपा कर रख दें जहां पर उस पर किसी की नजर ना पड़े, रखने के बाद आपकी भी नजर उस पर ना पड़े, ऐसी कोशिश करें। किसी भी नीचे की जगह पर, किसी भी कोने पर छुपा के थोड़ा उसे रख दें। इसके बाद अगर 24 घंटे तक लगातार पानी का रंग, 24 घंटे तक उसे रखें, 24 घंटे बाद पानी का रंग चेक करके देखें, क्या पानी के रंग में कोई बदलाव आया। अगर आपके किसी भी घर के किसी भी कोने में, घर के अलग अलग कोनों में भी आप रख सकते हैं, पानी रख के देखें, देखें कि क्या कोई बदलाव आया। अगर कलर में कोई बदलाव आया तो किसी ना किसी टाइप की नेगेटिविटी वहां पर मौजूद है। जैसे मैंने पहले भी कहा, वो वास्तु दोष हो सकता है, किसी की नजर हो सकती है, वो कोई नेगेटिव प्रेजेंस हो सकती है,
या आपकी नेगेटिव सोच हो सकती है। जैसे हमने ये एक्सपेरिमेंट जो है वो किसी शराब की जगह पर हमने रख कर देखा, जहाँ पर लोग रेगुलरली शराब पीते थे, तो वहाँ पर इसका जो कलर है वो डार्क येलो होने लगा, मतलब कलर 24 घंटे के अंदर पानी का कलर चेंज हो गया। तो डेफिनेटली वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी मौजूद है, लेकिन वो शराब की वजह से है। नो सिमिलरली हमने उन लोगों के घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देखा जो लोग लगातार, जिनके अंदर डिप्रेशन की प्रॉब्लम चल रही थी, उनके घर में भी पानी का कलर चेंज होकर रेडिश हो गया, लाइट रेड या पिंकिश कलर हो गया, तो वो अलग टाइप की नेगेटिव एनर्जी थी। सिमिलरली कई जगह पर एक्चुअली कोई प्रेत बाधा थी, भूत बाधा थी, वो भी कुछ जगहें थी जहां पर एक्सट्रीम नेगेटिविटी थी, तो वो भी हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा और उसमें भी चेंज हुआ कि कलर बिल्कुल डार्क हो गया। तो अगर मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके घर में ऐसा ही कलर में कोई बदलाव आता है तो उससे कुछ भी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। पानी का रंग हल्का पीला ग्रे हो सकता है, हल्का काला हो सकता है, गुलाबी हो सकता है, लाल हो सकता है, या डीप डार्क हो सकता है, काला हो सकता है। अगर कोई भी चेंज हुआ है तो डेफिनेटली वहां पर किसी टाइप की नेगेटिविटी मौजूद है। तो मैंने अब आपको आइडिया दिया कि किस तरह से नेगेटिव एनर्जी को हम डिटेक्ट करें, अब इसे छुटकारा कैसे पाएं, अगर आ गई है तो क्या करें। नेगेटिव एनर्जी घर से हटाने के लिए एक बेहतरीन पुराना रास्ता है, वो है अपने इष्ट या गुरु की आरती करना। आपको अगर याद हो तो हमारे पुराने शास्त्रों में आरती का बड़ा रिवाज है, आज भी गंगा जी की आरती होती है और जगह पर भी लोग अपने घरों में इष्ट और गुरु की आरती करते हैं। बंगाल में जगह जगह पर आरती की जाती है, हरियाणा में बहुत जगह पर है, और भी कई जगहों पर हमने आरती जो देखी है, इष्ट की आरती, गुरु की आरती, वो जो आरती उतारी जाती है तो उनका जो पॉजिटिव ऑरा है वो आपकी उस आरती के अंदर, उस ज्योत के अंदर प्रवेश कर जाता है, और उस ज्योत के बाद, वहां से आरती के बाद, उस ज्योत को ही घर के अलग अलग हिस्सों में उसे घुमाया जाता है, उसे घुमा देना चाहिए अलग अलग हिस्सों में। साथ ही लोगों के ओरा को भी क्लीन करना चाहिए, उनको गोल इस तरह से घुमाकर हर एक पर्सन के चारों तरफ इसे जो है वो क्लॉकवाइज घुमाना होता है। अगर मैं यहां से आप मेरे को देख रहे हैं तो मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ये मेरा क्लॉकवाइज बनेगा, तो ऐसे मैं क्लॉकवाइज किसी के चारों तरफ भी घुमाऊंगा, किसी और के चारों तरफ घुमाने के लिए। इस तरीके से लोगों का ओरा भी क्लीन किया जा सकता है। सबसे आसान तरीका है, आप आरती में घी डाल लें थोड़ा सा उसमें, या लोबान, गूगल और लोबान, गूगल होता है, गूगल और लोबान जिसकी फोटो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, उसको डाला जा सकता है, थोड़ा कपूर डाल के जलाया जा सकता है। तो ये हम लोग भी अपने ऑफिस में इसी तरह से आरती परफॉर्म करते हैं, हम पहले आरती को अपने गुरुदेव के चारों तरफ घुमाते हैं, उसके बाद हम इंडिविजुअली एक एक पर्सन की आरती को इस तरह से आरती घुमाते हैं, हर एक पर्सन का, हर एक ऑफिस के हर मेंबर का ओरा क्लीन किया जाता है डेली बेस पर। इसी तरह से नेगेटिविटी को हटाने के लिए गूगल और लोबान जलाना, गूगल ये ऊपर जो फोटो दिखाई दे रही है गूगल की फोटो है, और ये जो नीचे है ये लोबान है, ये बाहर ये आसानी से मिल जाता है मार्केट में बंसारी की दुकान पर। इसको जलाने से जो खास तरह का धुआं पैदा होता है वो पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। इसी तरह से घर में ब्लैक टर्मलिन के क्रिस्टल रखे जा सकते हैं, अगर आप परिचित हैं, ये थोड़े से 200 रुपए में एक अच्छा खासा क्लस्टर आ जाता है, मतलब बहुत सारे क्रिस्टल आ जाते हैं, 15-20 के करीब क्रिस्टल आ जाते हैं, तो घर के अलग अलग कोनों में रखे जा सकते हैं, ये नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। सॉल्ट के बड़े बड़े, नमक के बड़े बड़े गट्ठे भी रखे जा सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। तो क्रिस्टल घर में रखने से जो है वो नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन इनके साथ ये होगा कि हर 10-15 दिनों के बाद इन क्रिस्टल को आपको सूरज की धूप में लेकर जाकर रखना पड़ेगा कुछ समय के लिए, तभी वो पॉजिटिव हो पाएंगे, नहीं तो कुछ समय के बाद क्रिस्टल खुद नेगेटिव हो जाते हैं, ये नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और बाद में इनको धूप में लगानी पड़ती है। तो घर के चारों कोनों में दूसरा उपाय जो है वो है, घर के चारों कोनों में नमक रखें, अलग अलग कोनों में नमक रखें, और सुबह इस नमक को फ्लश कर दें, इसको पूरी तरह से जो है वो फ्लश कर दें, किसी भी तरीके से इस पर इसका किसी भी और ढंग से इस्तेमाल ना हो, केवल और केवल फ्लश करना है, बिल्कुल ये बाहर निकल जाए घर से, दूर दूर तक इसका हमारे से कोई कंसर्न ना हो, क्योंकि वो नेगेटिविटी को लेकर जा रहा है हमारे घर से। इसके अलावा एक और बड़ी मजेदार चीज है, वो है ताली बजाना। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कोने में ऐसा लगे, सबसे आसान तरीका है ये, ताली बजाना, जोर जोर से ताली बजाएं। अगर किसी कोने में आपको नेगेटिविटी लगती है, टेम्परेरी रिमूव हो जाएगी नेगेटिविटी, याद रखिएगा टेम्परेरी, परमानेंट हटाने के लिए किसी चीज़ से अब्जॉर्ब करके उसे बाहर फेंकना पड़ेगा। तो ताली बजाने से नेगेटिविटी दूर होती है, हमने पाया है, हमने ऊर्जा का लेवल चेक करके देखा है, लेकिन टेम्परेरी होती है, परमानेंट के लिए आपको कोई ना कोई ऐसा उपाय करना पड़ेगा। घर में सफाई बहुत 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 जरूरी है, जिस जगह पर सफाई नहीं रहती नेगेटिविटी वहाँ डेफिनेटली आ जाती है, किसी भी टाइप की सीलन हो, मकड़ी के जाले लगे हों, तो डेफिनेटली वहाँ पर नेगेटिविटी आ जाती है। तो घर में और ऑफिस में नेगेटिविटी इस तरह से डिटेक्ट की जा सकती है, उसको रिमूव किया जा सकता है। तुलसी का पौधा, तुलसी के पौधे के अंदर एक ऐसा महान गुण है कि वो घर की सारी नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब कर लेता है, तो जरूर लगाएं तुलसी का पौधा। तुलसी के अंदर और बहुत सारे औषधीय गुण हैं जिनके बारे में शायद आप जानते होंगे, वो आप पढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इससे आपको समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर भी अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो जरूर करें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपको जरूर हेल्प की होगी समझने में, घर की नेगेटिविटी को हटाने में। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आए इन उपायों के बावजूद भी, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, डिस्टेंस हीलिंग के द्वारा भी और बहुत सारे क्रिस्टल्स के द्वारा भी, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा नेगेटिविटी दूर की जा सकती है। मैंने अभी आपको मुख्य उपाय बताए हैं, लेकिन आप इसका जरूर फायदा उठाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।